आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला वांगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला वांगी। तो यहाँ पर मैंने लिए है कुछ बैंगन, एक टोमेटो, धनिया पत्ता, मूंगफली के दाने, कड़ी पत्ता, लहसुन अदरक, ये कांदा लहसुन मसाला है, ये काला मसाला है, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी हाफ टेबल स्पून और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम मूंगफली के दाने जो है वो भून के ले लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। मूंगफली के दाने भून के हो गए, अब हम गैस को कर देंगे बंद और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बैंगन को कट करके पानी में डाल देंगे। बैंगन कट करने के बाद पानी में डाल के थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है, इससे क्या होता है बैंगन काले नहीं पड़ते। और ऐसा खोल के देखना कि अंदर वो बैंगन खराब तो नहीं है, ऐसा चेक करके फिर पानी में ऐड कर देना। थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर दूंगी, थोड़ा मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह सारे बैंगन कट कर लेंगे। ये देखिए अंदर से ये बैंगन खराब है, इसे हम कट करके फेंक देंगे। टोमेटो को भी बारीक कट कर लेंगे। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम बना लेंगे। अब लहसुन अदरक को हम बारीक कूट लेंगे। लहसुन बारीक हो चुकी है, अब हम धनिया पत्ता को भी वॉश कर लेंगे। मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे ऐसे हाथ से मसल के पूरा इसका छिलका निकाल लेंगे। सारे छिलके निकल चुके हैं, अब हम इसे मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। अब हम बैंगन को पानी में से निकाल के एक स्ट्रेनर में रख लेंगे। अब हम सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। मसाले में थोड़ा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स हो चुका है, अब हम एक एक करके बैंगन में मसाला भर देंगे। बिल्कुल इसी तरह
अब हम कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। एक दो टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, ये हम ऐड करेंगे ऑयल में और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो। मैं ऐड करूंगी टोमेटो, अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक दो तीन मिनट तक। टोमेटो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे बैंगन। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा ग्लास पानी डाल के हम इसे एक 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने देंगे कवर करके। कवर करके हम इसे पकने देंगे बैंगन को लो फ्लेम पर। बीच बीच में चला लेंगे। एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। लो फ्लेम पर एक अच्छा फ्लेवर आएगा, मसाला अंदर तक पूरा पकेगा। मसाला वांगी रेडी हो चुके हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।